अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। स्त्री धर्म में जब कन्या होने लग जाए उसके बाद वो शादी की डेट निकल गई, उससे पहले पहले शादी कर देनी चाहिए, रखें घर में, जब वो युवा हो जाए 18 20 22 साल की फिर विदा कर दो। फिर वो गोने की विदाई कराने के लिए पति आएंगे, फिर पंजाबी में कहेंगे मुकुलावा, हिंदी में कहेंगे गोना, फिर युवावस्था जब आ जाए गोने की विदाई कर दो, तब तक लड़की रहेगी माँ बाप के पास। तो विवाह कब करना चाहिए? जब वो कन्या हो, और कन्या कब तक? 10 साल तक। 11 वर्ष में लड़की प्रवेश कर जाए तो नवरात्रों में उस कन्या का पूजन का विधान ही नहीं है। 10 साल की उम्र से छोटी छोटी कन्या होंगी उन्हीं के पूजन का विधान है नवरात्र में कन्या पूजन, तब तो वो कन्या है। और कन्या दान की महिमा है, कन्या का विवाह होता है और जब उसमें स्त्री धर्म होने लगा, इसलिए उसका नाम है स्त्री धर्म। मतलब वो नारी बन गया, वो स्त्री बन गया, वो कन्या नहीं रही, वो कन्या धर्म नहीं, वो स्त्री धर्म है। तो स्त्री का अर्थ होता है जब मासिक धर्म होने लगे तो स्त्री है, उससे पहले वो कन्या है। और विवाह कन्या का ही होता है, स्त्री का नहीं होता। तो जब तक वो पवित्र अवस्था में है, मासिक धर्म ना होने लगे उससे पहले पहले कन्यादान कर देना चाहिए शास्त्र के अनुसार, रहे लड़की घर पे, और जब युवा हो जाए उसके बाद उसको विदा कर दे, ये नियम है। और कब तक नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि जब मासिक धर्म होने लगे तो स्त्री का विवाह उसके बाद नहीं कर सकते। ये तो है शास्त्र की मर्यादा और पुराने जमाने की, लेकिन एक कलयुग आ चुका है, इसमें तो अलग ढंग से बात है। अब तो एक ही नियम है कलयुग का, तो जब बच्चा पांव पे खड़ा हो जाए, समझदार हो जाए तो विवाह कर दो, अगर समझदार नहीं हो तो कुंवारा ही रहने दो, चाहे 50 साल का भी क्यों ना हो जाए। आजकल की तो ये नियम हो गया।